नाजीन महबूब फैजान कुरैशी इस वक्त वहाँ मौजूद है हरिपुरा लंगेट में, यहाँ पर इस वक्त जो है कबड्डी मैच खेला जा रहा है। कश्मीर में इस खेल की तरफ बहुत कम तवज्जो दी जा रही है और बहुत कम जगहों पर खेल खेला जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने जोशो खरोश के साथ ये मैच खेला जा रहा है। यहाँ पर शायकीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, वो आप खुद भी देख सकते हैं कि लोग जो है कितना चिल्ला रहे हैं, कितना वो इस खेल से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जब जब हिम्मत दिखाई तब ही मंजिल है पाई, सही बात है। मैंने ये इनको कहा कि इस ग्राउंड को मैं इस इलाके का सबसे बेहतरीन प्ले ग्राउंड में इसको बनाऊंगा और ये वॉलीबॉल और कबड्डी के लिए बनाएंगे हम, क्रिकेट के लिए दूसरे ग्राउंड हमने तैयार किए हैं और इसको जो डिस्ट्रिक्ट के मैच होंगे वो यहाँ हम खेलेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट के मैच वो भी यहाँ हम खेलेंगे, ऐसा ग्राउंड इसको बनाकर दे देंगे हम। 10 लाख रुपए का ऐलान हुआ है, वो एस्टिमेट बना है, सीटिंग अरेंजमेंट और फेंसिंग लेवलिंग उसके लिए मैंने इसका एस्टिमेट आज ही बनवाया है, एक हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा और लाइटिंग का जो अरेंजमेंट है वो लाइटें मैंने इनको दी है, पोल भी दिए हैं, कल या परसों से मैच जो है वो लाइटों के नीचे खेला जाएगा। जी आपने 10 लाख की बात की, लेकिन अगर हम देखेंगे जो भी गवर्नमेंट का पैसा होता है या जो पॉलिटिशियन या जो रिप्रेजेंटेटिव जो पैसा देते हैं, लेकिन वो अगर आपने 10 लाख दिया फिर ग्राउंड लेवल पर 2 लाख भी खर्च नहीं होते, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं खुद इसका मॉनिटर करूंगा, जो भी काम इस पर करेगा मैं खुद यहाँ रहूंगा और जो यूथ है यहाँ का जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जितने भी, मैं एक सपोर्टर्स काउंसिल बनाऊंगा यहाँ पर इसी गाँव का, वो उसकी निगरानी करेंगे और मैं खुद मॉनिटर करूंगा इस काम को और बेहतरीन काम होगा और इंशाल्लाह आपको लाएंगे हम, जब काम शुरू हो जाएगा उस वक्त भी और जब कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त भी हम आपको लाएंगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।